हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सभी प्यारे साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं विवेक कुमार, यूवी कॉम्पिटिशंस यूट्यूब चैनल में आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, रोजाना की तरह मैं लेकर हाजिर हूं डेली करंट अफेयर्स जी के, जो आपका इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज में अपडेट्स है। मेरे प्यारे साथियों, आज 10 जुलाई 2019 के करंट अफेयर्स की हम बात करते हैं। साथियों, डेली करंट अफेयर्स के लिए यदि आपने हमारा चैनल यूवी कंपटीशन सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूवी कंपटीशन चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको हमारे द्वारा दिए गए अपडेट्स के नोटिफिकेशन मिलते रहें। साथियों, यह हमारा MCQ करंट अफेयर्स जी के UPSC, SSC, RRB, बैंक्स, GRE, नेट, रेलवे इत्यादि सभी एग्जाम्स के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। मेरे प्यारे साथियों, मैं अनअकैडमी ऐप पर एक एजुकेटर हूँ, तो अनअकैडमी ऐप पर मेरे द्वारा राजस्थान GK और मैकेनिकल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स पढ़ने के लिए अनअकैडमी ऐप पर मुझे फॉलो करें। अनअकैडमी ऐप पर फॉलो करने का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आइए साथियों, शुरू करते हैं आज के मुख्य समाचार। मुख्य समाचार, हम बात करते हैं MCQs करंट अफेयर्स की। क्वेश्चन संख्या फर्स्ट, किस राज्य की सरकार ने गरीबी से जूझ रहे पद्म पुरस्कार विजेताओं को मासिक भत्ता देने की घोषणा की है? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज गिवन टू मंथली फी, या मंथली फी की बात की जाए, फॉर पद्म पुरस्कार, पद्म अवार्ड विनर्स? ए, ऑप्शन ए पंजाब गवर्नमेंट, ऑप्शन बी ओडिशा सरकार ने, ऑप्शन सी गुजरात ने, ऑप्शन डी असम सरकार ने। इसका सही उत्तर की बात की जाए तो सही उत्तर है ओडिशा की सरकार ने। ओडिशा की सरकार ने गरीबी से जूझ रहे पद्म पुरस्कार विजेताओं को मासिक भत्ता देने की घोषणा की है। क्वेश्चन संख्या सेकेंड, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ नेशनल क्रिकेट अकेडमी बाई BCCI? BCCI भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने किसे नेशनल क्रिकेट अकेडमी के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है? ऑप्शन ए संजय मांजरेकर, ऑप्शन बी राहुल द्रविड़, ऑप्शन सी वीरेंद्र सहवाग, ऑप्शन डी सुनील गावस्कर। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी राहुल द्रविड़ को। राहुल द्रविड़, जिन्हें चीन की दीवार के नाम से भी जाना जाता है, यह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले चुके हैं। इन्हें BCCI ने, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने नेशनल क्रिकेट एकेडमी के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है। क्वेश्चन संख्या थर्ड, विच टीम वॉन द वुमेन्स फीफा वर्ल्ड कप 2019? किस टीम ने महिला फीफा विश्व कप 2019 का खिताब जीता है? ऑप्शन ए नीदरलैंड, ऑप्शन बी नॉर्वे, ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन डी जापान। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी अमेरिका ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द फॉलोइंग ऑप्शंस विच टीम वोन कोपा अमेरिका 2019 टाइटल? इनमें से किस टीम ने कोपा अमेरिका 2019 का खिताब जीता है? ऑप्शन ए उरुग्वे, ऑप्शन बी अर्जेंटीना, ऑप्शन सी पेरू, ऑप्शन डी ब्राजील। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी ब्राजील ने। ब्राजील की टीम ने कोपा अमेरिका 2019 का खिताब जीता है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, विच इंडियन सिटी लिस्टेड इन यूनेस्कोज वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट? कौन सा शहर या कौन सा भारतीय शहर यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल हुआ है? ऑप्शन ए रांची, ऑप्शन बी अहमदाबाद, ऑप्शन सी जयपुर, ऑप्शन डी चंडीगढ़। तो यूनेस्को की जो विश्व धरोहर सूची है, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज जो लिस्ट है, उसमें भारत देश के राजस्थान राज्य का जयपुर शहर विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। दोस्तों, आपको बता दें, राजस्थान राज्य का जयपुर शहर
पिंक सिटी यानी कि गुलाबी नगर के नाम से भी जाना जाता है, और यह राजस्थान राज्य की राजधानी है। इसका अलावा पिंक सिटी की बात की जाए तो पिंक सिटी जो है उसको 1727 में बसाया गया था, और जयपुर शहर की बात की जाए तो जयपुर शहर के वर्तमान में, सॉरी, राजस्थान के वर्तमान में मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत और उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट जी हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, ये थे आज के मुख्य समाचार जो कि आपका करंट अफेयर्स भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब यूवी कंपटीशन चैनल, और साथ ही साथ हमें अनअकैडमी इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।